मैं क्या बोल सकता हूँ, जीरोस क्या हो जाएंगे मेरे पास, वन माइनस ऑफ रूट टू, वन वन प्लस रूट टू। अगर बी मेरा रूट टू लेता हूँ, अगर बी मेरा माइनस रूट टू लेता हूँ तो पहला आ जाएगा वन ए माइनस बी, मतलब वन प्लस रूट टू, वन वन माइनस ऑफ रूट टू। तो इसको नोट कर लेंगे आप, सेवेंथ क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं डीपीपी फोर के ऊपर। मैंने इस होमवर्क सिक्स को, मैंने होमवर्क में पूरा चैप्टर दे दिया ना आपको, या कुछ बाकी है देना? नो सर, क्या दिया हुआ है मैंने? तो पर चैप्टर हो गया, दे दिया। आप डिस्कशन करना है सिर्फ, डीपीपी फोर में चलते हैं। तो डीपीपी फोर में डाउट जो जो है फटाफट फटाफट लिख लें आप। डीपीपी थ्री का टेन, अब बस तुम बहुत लेट नहीं बता रहे हो क्या? डीपीपी थ्री का बता रहे हो क्या? बता, फातिमा ने तो बहुत अच्छे से लिख दिया, डीपीपी फोर फाइव ड्रिल एमसीक्यू हॉट्स, मतलब बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक, बहुत अच्छे से लिखा है, वेरी गुड। ठीक है, बट फातिमा प्रॉब्लम ये है मेरे साथ, मैं इसको सेव नहीं कर सकता, आपको मुझे हर बार बताना पड़ेगा डीपीपी जब मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अब बस सॉरी क्यों लिख रहे हो, मतलब क्या है बताऊँ? कौन सा क्वेश्चन डाउट है? डीपीपी थ्री का टेन डाउट है क्या? टेन देख लो, x माइनस रूट फाइव इज अ फैक्टर, मैं बता देता हूँ एक बार देख लो, x माइनस रूट फाइव एक फैक्टर है तो उससे डिवाइड करें आप, x माइनस रूट फाइव से डिवाइड कर लें आप तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस थ्री रूट फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थर्टीन एक्स माइनस थ्री रूट फाइव। थोड़ा इसको संभाल संभाल के सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, एक्स क्यूब माइनस ऑफ रूट फाइव एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस प्लस, माइनस थ्री एप्पल्स प्लस एप्पल सो माइनस टू एप्पल्स। नेक्स्ट क्या जाएगा, माइनस टू रूट फाइव एक्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू रूट फाइव एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस माइनस बिकम्स प्लस, 2 into 5 becomes 10, so 10x हो जाएगा, plus minus, cancel, 3x minus 3 root 5, तो बनेगा क्या, plus 3, तो ये हो जाएगा 3x minus 3 root 5 equal to 0, तो minus plus 0, सही है? तो मेरे पास क्या बन गया, x square minus 2 root of 5x plus 3 बन गया, सही है? अब इसके factors कैसे निकालेंगे? इसके फैक्टर्स निकालने के लिए हम वो वाला मेथड यूज कर लेते हैं जो मैंने आपको ट्रिक बताया, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई होता है, तो माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा, टू रूट फाइव। ठीक है, और हमारे पास अल्फा इंटू बीटा कितना, अल्फा इंटू बीटा कितना है, सी बाई है। और एक चीज मालूम है आपको, अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, रूट ऑफ डी बाई ए होता है, तो रूट डी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा, बी स्क्वायर इज फोर फाइव जा ट्वेंटी माइनस फोर ए सी मतलब ट्वेल्व अपॉन ए अगेन वन, तो ये क्या आ गया, अल्फा माइनस बीटा मेरे पास आ गया रूट एट विच इज टू रूट टू। टू लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये मेथड एक है सर। यस बेटा, ये अल्फा माइनस बीटा क्या करा समझ नहीं। अल्फा माइनस बीटा रूट डी बाई ए होता है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा है, याद है आपको? हाँ सर, यस। बस तो अल्फा माइनस बीटा मैंने निकाल दिया रूट डी बाई ए, ये मैं शॉर्टकट से बता रहा हूँ रूट डी बाई ए। आप चाहो तो अल्फा माइनस बीटा बिल्कुल प्यार से निकालते रहो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा उसका स्क्वायर रूट, करते रहे आप, आंसर आ जाएगा आपके पास। मैं क्या है, थोड़ा शॉर्टकट को फॉलो करके जल्दी जल्दी आंसर निकाल के दे रहा हूँ आपको। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, चले, अब बस क्लियर है, अच्छा हुआ पूछ लिया, अच्छा क्वेश्चन था, स्टूडेंट्स शुड हैव डन दिस क्वेश्चन। सर फिर वो वाला फॉर्मूला है ना, बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन, यही से आया, यही से आया वो कब यूज होगा? अरे सेम फॉर्मूला है, सेम सर, वो कब यूज होगा, मतलब ये हर जगह ही चलेगा, कब यूज नहीं होगा, हर जगह ही वो चलेगा।
जब आपको सूझ नहीं रहा है कि मैं किस तरीके से स्प्लिट करूं, तो सीधा फॉर्मूला लगा दिया। देखिए यहाँ पे सम और प्रोडक्ट मुझे दिया हुआ है, बट मेरे एल्गोरिदम में बैठ ही नहीं रहा है कि सम 3 आ जाए और प्रोडक्ट ही आ जाए, तो मैंने क्या किया, ऐसे लॉजिक से वर्कआउट कर लिया उसको। ठीक है, देखिए लेकिन देखो मैं एक चीज और बताऊं आपको, है ना, चाहो तो आप स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो मैं वो भी बता दूं आपको, मेथड 2 क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 एक्स प्लस 3। लेकिन ये क्या थोड़ा खतरों से खेलने वाला स्टेप है, प्रोडक्ट कितना है 3 है, सम कितना है 2 रूट 5 है, तो सम 2 रूट 5 हो जाए, प्रोडक्ट रूट 3 हो जाए, प्रोडक्ट 3 हो जाए, तो पहले इसको मैं बोल सकता हूँ 3 को लिख सकते हैं 5 माइनस 2, लिख सकते हैं रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2। अब इन दो नंबर्स का एडिशन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, प्रोडक्ट 3 आ जाएगा, सही है, बट ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हम लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वो डेरिवेशन मैंने आपको करके दिखाया था लास्ट क्लास में, यही से आता है वो डेरिवेशन, रूट डी अपॉन ए जो लिखा हुआ है, और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए जो लिखा हुआ है। ठीक है ना, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो मैं लिख देता हूँ फिर से आपके लिए, फिर से एक बार डेराइव बता देता हूँ कैसे होता था। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है, और अल्फा माइनस बीटा इज अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, रूट डी बाई ए मतलब यही है, और यहाँ पे प्लस माइनस होता है, क्यों, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है ना, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे आप तो क्या आ जाएगा, 2α इज इक्वल टू, एक सेकंड एक बार प्लस लेके ही करके दिखाता हूँ, दो रूट निकलेंगे आपके, तो 2α कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई ए प्लस माइनस, एक सेकंड, प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, तो यही तो बन गया, अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस बी प्लस माइनस, फिर से प्लस माइनस देख रहा हूँ, माइनस बी प्लस, नॉट प्लस माइनस, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है आपका, एक बार प्लस आएगा आंसर, एक बार माइनस आ जाएगा, तो रूट्स आ जाएंगे ना आपके, इज इट क्लियर, सही है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, चलो डीपीपी 4 में जो बच्चों को डाउट है फटाफट उसको केटर कर लेते हैं। लेट मी रीड द मैसेजेस वंस अगेन। डीपीपी 4 में कहां से डाउट लिखना शुरू किया है, 6 और 7 फातिमा ने लिखा है। नेक्स्ट डीपीपी 4 में जो सेकंड है वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही करना है, और कोई मेथड है, ओके लेट मी सी, 6 7 8 6 7 6 7 6 7 7 8, ओके 6 7, क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट, ओके क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, ओके देन 4 का 6 7, ठीक है हो गया कवर, ठीक है सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 8 अरेस्ट हो गया कवर, 4 6 7, ओके क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी डीपीपी 4 का 6 7 हो गया कवर, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, ठीक है 4 6 7, 4 का 8 8th, ठीक है कवर हो गया सारा का सारा, यही है आपके डाउट्स। इसमें किसी का और बच रहा है, आई मे हैव नॉट सीन द मैसेज प्रॉपरली, सो प्लीज लेट मी नो। 6 7 8, सेकंड का सेकंड और सेकंड का थर्ड। तो देखो पहला सेकंड क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, अप्लाई डिविजन एल्गोरिदम टू फाइंड दिस 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 एज गिवन बिलो, सो दिस इज वेरी इजी नो। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड अगर लिखा है, तो अगर डिग्री 5 को डिग्री 3 से डिवाइड करता हूं, तो क्वेश्चन आपके पास क्या जाएगा, डिग्री 2, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, लीनियर या कांस्टेंट आ जाएगा। ये तो कर लोगे ना आप, इसमें क्या डाउट आ रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है, ये तो लॉन्ग डिवीजन वाला क्वेश्चन है, व्हाट्स द डाउट, नॉर्मल डिवीजन कर दोगे ना आप, डिग्री 5 जो है 2x की पावर 5 प्लस 3x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको जब मैं डिवाइड करूंगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 से, तो क्या होगा, जब हम लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो जी एक्स तो क्या हो जाएगा, इधर 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो 2x 5 प्लस 4x 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, हाँ बिल्कुल। अब इसमें एक फिलर आपको डालना पड़ेगा, क्यों, डिग्री 4 और डिग्री 3 इसमें मिसिंग है ना, कोई बात नहीं सब्ट्रैक्शन कर लो, हम ध्यान रखते हैं उस चीज का,
यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स थ्री। सर आप थोड़ा सा गलत है क्या? हाँ क्या हुआ, गलत लिखा है क्या? अरे ये 4x4 कैसे आया, मतलब 4x ऊपर 4 कैसे आया? सॉरी 2x4 आएगा ना, 2x4 आएगा, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा हुआ बताया, 2x4 आएगा इधर है ना। यस यस यस, प्लस आपके पास 2x4 आ जाएगा, जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो प्लस ही रहेगा, ये x की पावर 4 आ गया मेरे पास। और एक बार चेक कर लो कुछ गलत तो नहीं लिखा है, माइनस 2x³ आ जाएगा। अब ये 4 माइनस 2 विल बी 2x² प्लस 3x प्लस 2। अब मैं क्या कर सकता हूँ, x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो x की पावर 4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x आ जाएगा, माइनस माइनस माइनस, दिस गेट्स कैंसिल्ड, माइनस 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 2 आ जाएगा। फिर हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 3 से कर देंगे, तो माइनस 3x³ माइनस 3x² माइनस 3x माइनस 3 प्लस 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 एंड प्लस कैंसिल, 4x² प्लस 5x प्लस 5, इज इट क्लियर? तो ये बचेगा आपके पास है ना, तो थर्ड आ जाएगा सेकंड का थर्ड, इज इट क्लियर? तो देख लो 2x² प्लस x माइनस 3 का पोर्शन, 4x² प्लस 5x प्लस 5 इज योर रिमाइंडर। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। क्वेश्चन वन थर्ड पर आंसर नहीं आ रहा है, क्वेश्चन वन शुद्ध ओके, फर्स्ट का थर्ड देख लेते हैं। फर्स्ट का थर्ड क्या दिया, एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया है, फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। ऑब्वियसली यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो मेरे पास डिविजन है वो लीनियर से हो रहा है, तो रिमाइंडर कॉन्स्टेंट आ जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार, 4x4 फिलर आप डाल दो 0x³, ऊपर हम भूल गए थे, फिलर डाल दोगे तो आपकी जगह कभी भी ऑक्यूपाइड नहीं होगी, दैट वुड बी वेरी इजी इन टर्म्स ऑफ कंपेयरिंग द टर्म्स। चेक कर लो एक बार, 2x प्लस 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x³ बन जाएगा, 4x4 प्लस 2x³ माइनस माइनस, सो यू विल एंड अप विद माइनस 2x³ माइनस 7x² प्लस 18x माइनस 1। Next you will get is minus of x², so minus 2x³ minus x² plus plus gone, minus 6x² plus 18x minus 1, next minus 3x से multiply कर दूंगा तो minus 6x² minus 3x आ जाएगा। कहीं mistake हो रही है तो please let me know, ठीक है ना, देख के मुझे एक बार बता देना, 21x minus 1 हो रहा है। तो last में क्या आ जाएगा, plus 21 by 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 21x प्लस 21 by 2 आ गया, माइनस प्लस माइनस माइनस गेट्स कैंसिल्ड, सो माइनस 23 by 2 इज योर रिमाइंडर। चेक कर लो एक बार, सही है ना शुभ? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम ऑर्डर में, हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है, टू का सेकंड और थर्ड अब आप कर लोगे ना, सेकंड भी कर लोगे आई गेस, जस्ट यू हैव टू ऐड फिलर्स, जो जगह खाली बच रही है बेटा उसको आप फिलर की तरह ऐड कर दो, जैसे x की पावर 5 नहीं है, x क्यूब नहीं है, तो वहां 0x की पावर 5 0x³ डाल दो, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब 6 7 8 देख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो 6 में क्या लिखा है, फाइंड k सो दैट दिस इज द फैक्टर, ऑल्सो फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द टू पॉलीनोमियल, ठीक है, एक क्वेश्चन में बताऊंगा, बाकी सारे आप खुद से कर लोगे, बहुत इजी है देखो। और ये 6th क्वेश्चन मार्क कर लो, वेरी 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 वेरी, जितने वेरी लगाने उतने वेरी लगा दो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, आश्रम के जितने टेस्ट होते हैं उसमें फॉर श्योर सब्जेक्टिव में भी आता है, जितने स्कूल एग्जाम होते हैं उसमें भी आता है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूरा साल इस क्वेश्चन से परेशान रहेंगे, ठीक है ना, तो इसको जितना हो सके जल्दी इसको प्रॉब्लम का सलूशन ले लें आप, और जिसका एक बार में आंसर आ गया उसका हमेशा ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखा है, 2x की पावर 4 प्लस x³ माइनस 14x² प्लस 5x प्लस 6, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ x² प्लस 2x प्लस k से। अब बोला क्या गया है, फाइंड k सो दैट इट इज अ फैक्टर, मतलब अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ तो
तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल है. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय एग्जैक्टली डिविजिबल, के रिमाइंडर आपके पास जीरो आ जाएगा. तो कैसे डिविजन करेंगे, पहले 2x² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x4 आ जाएगा प्लस 4x³ आ जाएगा प्लस kx² आ जाएगा. बहुत ध्यान से समझें आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 3x³ आ गया. यस बेटा, क्या आ जाएगा बताओ, 2k x square. बिल्कुल सही. तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस 3x³ माइनस टेकन आउट कॉमन, 14 प्लस 2k टाइम्स x square, सही है, प्लस 5x प्लस 6 आ जाएगा आपके पास. नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस 3x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 3x³ बन जाएगा. नेक्स्ट माइनस 6x² बन जाएगा. नेक्स्ट माइनस 3kx बन जाएगा. एक सेकेंड, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस नहीं चल रहा, माइनस 3kx हो जाएगा आपके पास. अब प्लस प्लस और प्लस कर देंगे हम, दिस गेट्स कैंसिल. तो लिखा क्या हुआ है, देखो साइड में लिख रहा हूँ, माइनस 14 प्लस 6 माइनस 2k, तो ये कितना बन गया, माइनस 8 माइनस 2k बन गया. तो माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया, 8 प्लस 2k टाइम्स x स्क्वायर लिखा हुआ है. नेक्स्ट 5 प्लस 3k हो जाएगा, तो ब्रैकेट में यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, तो ब्रैकेट में आप क्या लिख देंगे, 5 प्लस 3k टाइम्स x प्लस 6, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 5 प्लस 3k टाइम्स x प्लस 6. फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस ऑफ 8 प्लस 2k टाइम्स x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना. तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ 8 प्लस 2k टाइम्स x स्क्वायर. अब नेक्स्ट चीज क्या हो जाएगी, देखो आपके पास सर ऊपर x स्क्वायर नहीं आएगा, सर x स्क्वायर ऊपर नहीं आएगा, ओ x आएगा ऊपर, x सॉरी ऊपर x आएगा, यहाँ पे x आएगा, अरे x भी नहीं आएगा ना, x भी नहीं आएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, तो फिर नीचे x क्यूब हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, क्वाड्रेटिक लीनियर एंड देन कांस्टेंट. तो माइनस बन जाएगा आपके पास यहाँ पे 8 प्लस 2k टाइम्स x स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस 2 टाइम्स 8 प्लस 2k इंटू एक्स, और लास्ट में क्या जाएगा, प्लस k टाइम्स यहाँ पे सॉरी आ जाएगा माइनस k टाइम्स 8 प्लस 2k, इज इट क्लियर, प्लस प्लस और प्लस आ जाएगा सबके साथ. ये फर्स्ट एक्सप्रेशन मेरा कैंसिल आउट हो गया. इस एक्सप्रेशन को थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, क्या लिखा है, 5 प्लस 3k लिखा है टाइम्स x, है ना, और यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस साइन बन गई अभी, तो प्लस 16 प्लस 4k टाइम्स x लिखा हुआ है. तो नेट मेरे पास क्या आ गया, 16 प्लस 5 21 प्लस 7k हो गया. तो यहाँ पे क्या बच गया, 21 प्लस 7k टाइम्स x. यस, किसी को डाउट है इसमें. नेक्स्ट लास्ट में क्या लिखा हुआ है, देखो 6 लिखा हुआ है और ये भी प्लस में कन्वर्ट हो गया है, तो प्लस 8k प्लस 2k स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस 2k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 6. मेरे साथ ही लिखते हुए चलना, ठीक है ना, टाइम नहीं मिलेगा आपको. ये क्वेश्चन है नवदा हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 डीपीपी 4 का, बहुत इंपॉर्टेंट. तो अब बोल क्या रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल, मतलब ये वाला जो एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या है, कुछ कोएफिशिएंट x का है और कुछ कांस्टेंट है. तो भाई ये कब जीरो होगा, जब कोएफिशिएंट ये जीरो हो जाए और ये भी जीरो हो जाए, जीरो टाइम्स x प्लस जीरो हो जाए. तो मैं बोलता हूँ 21 प्लस 7k क्या हो जाए, जीरो. तो k का वैल्यू माइनस 3 आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास, देख लो. तो 6 का आंसर आ जाएगा k का वैल्यू माइनस 3. अब k माइनस 3 आ गया आपके पास, तो ये वाला भी अगर आप चेक करना है, सिर्फ वेरीफाई कर लो आप, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 9 प्लस माइनस 24 प्लस 6, दैट इज ऑब्वियसली जीरो. अब k माइनस 3 कहाँ डालोगे आप, कोशेंट में डालोगे, तो दो और फैक्टर मिल जाएंगे आपको. तो ये क्या बन जाएगा, 8 माइनस 6 विच इज 2,
तो जो क्वाड्रेटिक बन गया क्या बन गया, 2x² - 3x - 2, तो 2x² - 3x - 2, तो आपके पास स्प्लिटिंग से क्या आ जाएगा, 2x² - 4x + x - 2, सब मेरे साथ लिखते हुए चलो एक एक स्टेप, 2x common x - 2 + 1x - 2, तो क्या आ जाएगा 2x + 1 × x - 2, तो x की वैल्यू -2 और 2 आ जाएगी आपके पास, तो नोटेड डाउन दो और फैक्टर्स आपके आ गए, ठीक है इसको नोट कर लेंगे। सो प्लीज नोट दिस डाउन, सारे बच्चे इसको नोट कर लेंगे, ऊपर ले लूं क्या और कहां से लिखना बाकी आप बताना मुझे, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, For what values of a and b are the zeros of this also the zeros of px? तो क्या होगा qx px वो exactly divisible हो जाएगा तभी zeros हो जाएंगे उसके सारे के सारे px में, तो same procedure a और b में variable equation जो आ जाएगी तो जो remainder आपका बच रहा है उसको zero कर दे आप, ठीक है, तो remainder zero करने पे जो आपके पास a और b की value आ जाएगी that value you are supposed to substitute, तो qx आपके पास factorized form में आ जाएगा, px आपके पास आ जाएगा, तो आप बता सकते हो विच जीरोज ऑफ पीएक्स आर नॉट द जीरोज ऑफ क्यूएक्स, जो क्वेश्चन बचेगा, ठीक है, पीएक्स को लिख सकते हैं क्यूएक्स इनटू सम क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन के जो जीरोज है वो हमारे क्यूएक्स में नहीं है लेकिन वो पीएक्स में है, इसको लिख लेंगे मैं फिर वो एग्जांपल की तरह आपको बताता हूँ। सब बच्चों ने लिख लिया इसको, लिख लो लिख लो फटाफट लिखो, ठीक है सेक्शन आई गेस एंड हो जाएगा तो सेकंड से हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, अभी मैं बता देता हूं मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन सेवेंथ वाले क्वेश्चन में मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो एक नंबर 36 है और एक नंबर आपके पास है, एक बड़ा नंबर ले लेते हैं मान लो 72 एक नंबर है आपके पास और एक नंबर है आपके पास 12, ठीक है ना, तो बोल रहा है 72 जो है और 12 जो है ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड भी करना है और कौन से फैक्टर नहीं है वो भी बताना है, तो मैं क्या बोलता हूँ 72 को मैंने 12 से डिवाइड करा तो मेरे पास क्या आ गया 6 × 72 जीरो आ गया, तो मैं बोल सकता हूँ जो 6 है वो सारे 72 के फैक्टर्स है, लेकिन अब यहाँ पे तो क्या 6 एक नंबर आ गया, जब मैं पॉलिनोमियल की बात करता हूँ तो मान लो ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल p(x) है, ये डिवाइड कर रहा हूँ तो ये q(x) है।